सच क्या है और झूठ क्या है। जो आपके सामने दिख रहा है वही तो सच है, सत्य है, वही तो ट्रू है। सच बोलते हैं ना, सच कड़वा होता है। आपके सामने जो दिख रहा है वही सच है, और जो आपके सामने बनावटी दिखाया जा रहा है वही तो झूठा है। आपके साथ जो जुड़े हुए हैं, आपके जो पत्नी है, आपके जो बच्चे हैं, आप वही तो सच है, वही ट्रू है, वही तो आपको साथ देने वाला है। बाकी आपके जो मदर इनला हो गया, आपका ब्रदर इनला हो गया, आपका ब्रदर हो गया, आपका भाभी भाभी हो गया, आपका सिस्टर हो गया, वो सब तो वही तो सब झूठ है। सच है मगर झूठ है। आपकी आंखों पर एक पर्दा लगा हुआ है, एक आपके पास एक होप लगा हुआ है कि ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है, ये मेरी माँ है, ये मेरा पिता है। एक ऐसा समय आता है जब कोई सच को कबूल नहीं करता है, सच को सच नहीं मानता है। तकलीफ में आओगे सारे के सारे बिखर जाते हैं, आप एक अंधेरे कमरे में पैक होकर रह जाते हैं, कोई साथ नहीं देने वाला है। यही तो सच है। तब भटक कहा रहे, आप कर क्या रहे हो? आप अपने आप को ये माया जाल में क्यों भटका रहे हो? आप केवल अपने बारे में सोचो। वही इंसान सफलता की शिखर तक पहुंचा है जो केवल अपना डेवलपमेंट के बारे में सोचता है। दुनिया को लेकर के चलोगे लुढ़क के गिर जाओगे। लोग खींचने वाले, पैर खींचने वाले, एक कदम आगे नहीं जा सकते, आपको उस जाल में फंसा के रखने वाले हैं। मैं मिथिलेश चंद जी आपको बोलता हूं, उस सारे जाल, सारे संबंध, सारे रिलेशन को तोड़ डालो। जिंदगी की सच्चाई के साथ जीना सीखो। सच क्या है? ये आत्मा सत्य है। ये शरीर जो है गलत है, रॉन्ग है। ये साथ कब तक है? जब तक ये हमारी अंदर आत्मा है। उसी तरह से हम जब तक अपने आप को ट्रू प्रूफ कर पाते हैं, अच्छे प्रूफ कर पाते हैं, हम अपने आप को लाइफ में सक्सेस हो पाते हैं, तभी हमको लगता है कि दुनिया मेरे साथ है। ये शरीर, शरीर कब तक बोला जाता है? ये मिथिलेश को मिथिलेश कब तक बोला जाएगा? जब तक ये मेरी जो आत्मा इसके अंदर है, हमारी जो आवाजें हमारे अंदर है, जिस दिन ये आवाजें निकल जाएगी तो इसको लोग डेड बॉडी बोलेंगे, ना कि मिथिलेश बोलेंगे, डेड बॉडी बोला जाएगा। इसी यही शरीर यही रहेगा, चेहरा यही रहेगा, मगर आपको क्या बोला जाएगा? डेड बॉडी, मृतक शरीर बोला जाएगा। उसी तरह से आप अपने आप को संभालिए, आप दुनिया के ढकोलों से दूर रहिए, लग्जरी सामानों से दूर रहिए। ज्यादा आर्टिफिशियल सामान लेकर क्या करोगे? बिल्डिंग पर बिल्डिंग बनाते हो, दुनिया भर के लग्जरी सामान लेते हो, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, कूलर, न कितने बंगला बनाते हो, सब दिखावा है, सब झूठ है। एवरीथिंग इज टेम्पररी, सोल इज ए परमानेंट, बॉडी इज ए टेम्पररी, सोल इज ए परमानेंट। या जो हमारा आत्मा है यही परमानेंट है, यही सत्य है। बाकी ये शरीर जो है एक मिथ्या, एक झूठ है। आप किसके सहारे जाना चाहते हो? ये जितने भी आपके रिलेटिव दिखते क्या सच है? सारे के सारे झूठ है। जिस तरह शरीर आपका एक झूठ है, जब तक इसमें आत्मा है तभी तक इस शरीर का वैल्यू है, तभी तक लोग आपको मिथिलेश चौधरी साहब बोलते हैं। जिस दिन ये शरीर से आवाजें निकल जाएगी, सोल निकल जाएगा, आत्मा निकल जाएगा, बेकार है। उसी तरह से आपके पास जब तक सफलता रूपी हथियार है, जब तक आपके पास पैसे हैं, जब तक आपके पास कामयाबी है, तभी तक आपके लोग रिलेशन मेंटेन करते हैं। जिस दिन आपके पास कोई कामयाबी नहीं रहेगी, कुछ पैसे नहीं रहेंगे, आपका कोई रुतबा नहीं रहेगा, आपको कोई पहचान नहीं रहेगा, एक डेड बॉडी की तरह लोग देख करके आपके ऊपर पैर रख करके गुजर जाने वाले हैं, तो आप